नीट एग्जाम पूरी तरीके से एक फ्रॉड है। जितने भी केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, जिन्होंने ग्रेस मांग दी है उनको भी जेल भेजो। किस आधार पे भेजी है? दलालों को छोड़ रखे उन्होंने, जो इस काम को करवाते हैं ग्रुप बना रखे उन्होंने। बड़े बड़े नेता बीजेपी के मिले हुए हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आप हमारे पीछे देख सकते हैं। मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि दिखाए किस तरह से यहाँ बच्चों को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोरोना काल में जो तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वो आ गए। मैं कैमरा मैन करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई, मंच पर दिखाए जान को हथेली पर रखकर नीट एग्जाम घोटाला मोदी सरकार और आप लोगों की रक्षा करते हुए स्वागत की। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगा हुआ है और वो किस तरह से कारागार की तस्वीर वहां पर दिखाई गई है, तो ऐसे में और नीट को लेकर सजा मिलनी चाहिए मोदी जी को, विपक्षियों को निपटाने के अलावा। तो यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि नीट एग्जाम में जो धांधली सजा मिले, यहाँ जो कार्यकर्ता है उन्हें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं? जो नीट एग्जाम में सर घोटाला हुआ है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीट एग्जाम में घोटाला तो हुआ है, जिसमें 10-15 बच्चों को उठाया है जिन्होंने घोटाला किया है, और शिक्षा मंत्री बच्चों ने घोटाला किया है कि जो एनटीए जो संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसने किया है, जो भारत सरकार के ग्रुप हैं, फिर सभी साथियों से निवेदन जो इस काम को करते हैं हर एग्जाम में धांधली होती है, अपनी जगह उस ग्रुप ने अपने बच्चे छोड़ रखे हैं, वे बच्चे हमने पकड़ा है उनको और धांधली हुई है। शिक्षा मंत्री ने कोर्ट के बाद माना कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ नहीं हुई है, पूरा गड़बड़ घोटाला है इसमें। सब लोग और अब सरकार कह रही है 1365 बच्चों का एग्जाम होगा। हम मांग कर रहे हैं कि इसमें पूरे 3-4 लाख बच्चे जो एग्जाम में बैठे थे सबका दोबारा से। आप एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो अपने बच्चों को छोड़ रखा है, उसमें दलालों को छोड़ रखे हैं उन्होंने, जो इस काम को करवाते हैं ग्रुप बना रखे उन्होंने दिल्ली विधानसभा की। तो देखिए, जो यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो कह रहे हैं कि नीट में घोटाला है, और वही मैं बात करने की चाहूंगा जो नरेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो दिल्ली के केंद्रीय मंत्री में भी रह चुके हैं, तो मैं उनसे बात। सर, जो नीट को लेकर घोटाले के तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं देश में, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो अपने अपने स्तर से प्रदर्शन कर रही हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप क्या कहना चाहते हैं नीट घोटाले? नीट एग्जाम पूरी तरीके से एक फ्रॉड है। जितने भी सम्मानित साथी खड़े, पहली बात तो ये नीट का एग्जाम लीकेज हुआ है, लीक हुआ एग्जाम, क्योंकि बिहार के अंदर पुलिस को बच्चों ने बयान दिया है कि उनको रात भर आंसर शीट रटवाई गई। दूसरा, एक ही कोचिंग सेंटर के 8-8 बच्चे टॉपर हैं, 720 में 720 नंबर ला रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि पेपर लीक ना हुआ। पहले तो पूरे साल में 10 बच्चे भी 100% नंबर नहीं ला पाए, और इस बार 67 बच्चे 720 में 720 ला रहे हैं। दूसरी बात, ये इतना बड़ा फ्रॉड है, जो बच्चे हिंदी माध्यम के या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ते हैं, या जो बच्चे गरीब परिवारों के जो लाखों रुपए का खर्चा उठाकर कोचिंग नहीं ले सकते, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स एनटीए और सरकार का मिली भगत है। ऐसे में गवर्नमेंट पहले 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम से एग्जाम आता था, बच्चे 11वीं 12वीं पढ़ के अपने पाठ्यक्रम के आधार पर ही बच्चे पास हो जाते थे। अब जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते, चूंकि 70% तो उसका 11वीं 12वीं का कोर्स अलग आता है, तो जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते वो तो उसमें कम्पीट ही नहीं कर पाते, उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है। केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, गलती स्वीकार करनी चाहिए अपनी। लेकिन ऐसे में कराने वालों को जेल भेजना चाहिए। ऐसे में सर, आप लोग की मांग क्या है? जो पोस्टर पर लगा हुआ है, मांग नहीं लगा हुआ है, मांग हम बता रहे हैं ना आपको। मांग सिंपल है, नीट का रिजल्ट रद्द करके एग्जाम दोबारा कराया जाए और जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनको जेल भेजा जाए। ऐसे में जिन्होंने ग्रेस मांग दी है उनको भी जेल भेजो। किस आधार पे दिए, किससे पूछ के दिए?
कोई कानून है, कानून के तहत ही तो हो गए, अपना भी दे दोगे जो मर्जी। ऐसे में सर जो सोशल एक्टिविस्ट जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पार्टियां विरोध कर प्रदर्शन कर रही हैं, वो एनटीए को खत्म करने की मांग कर रही हैं। एनटीए को खत्म करना समाधान नहीं है, कोई ना कोई एजेंसी तो एग्जाम कराएगी, चाहे सीबीएसई कराए, चाहे एनटीए कराए या कोई और कराए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि एग्जाम फेयर तरीके से हो, लीकेज बंद हो और एग्जाम पाठ्यक्रम के आधार पे हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए सर, थे हुए कह रहे हैं कि जो एग्जाम है वो फेयर तरीके से हो, एनटीए को बंद कराना ही सिर्फ मामला नहीं है, कोई भी आएगा उसके जगह पर तो कहीं ना कहीं धांधली करेंगे। और भी लोग हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नीट मामले में घोटाला हुआ है, उस पर आप क्या कहें? ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें सेंटर के सरकार ने फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं। इसमें सरकार की भूमिका कहाँ? शिक्षा मंत्री सरकार ही इस टेस्ट एग्जाम को करवा रही है, तो उसमें इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा स्कैम जो है, ये इसके लिए माफ नहीं किया जाएगा। आइए, यहाँ पे एक मैडम है जो इस धरना में आई है, जो विरोध प्रदर्शन में नीट को लेकर, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैम, जो नीट इस बड़ी बड़ी धांधली हुई है, आप उस पर क्या कहना चाहती? आप खुद देखिए कि आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर बहुत ही सजग और अच्छे रूप से काम करती है, तो इसलिए आज हम जो नीट में धांधली हुई है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं। क्योंकि जो लोग, आप खुद सोच सकते हो कि जिस तरह से धांधली करके बच्चे अगर दे के अपना एग्जाम दे के आए हैं, क्या वो एक पूर्ण रूप से एक अच्छी डॉक्टरी कर पाएगा? क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसा होता है जो कि भगवान का नाम दिया गया है, क्योंकि वो लोगों की जान बचाता है। अगर हम लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति को डॉक्टरी परीक्षा में पास करके उसको डॉक्टर की डिग्री दिला देंगे, क्या वह सक्षम हो पाएगा? तो मैम शुक्रिया। तो देखिए, नीट की एग्जाम को लेकर और भाई साहबों से बात करने की कोशिश मैं करूंगा, किस तरह से चीजें चल रही हैं। सर, जो नीट एग्जाम में घोटाला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, उसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि नीट एग्जाम दोबारा हो, और जो दोषी हैं, जिन्होंने ये घोटाला किया है, पेपर लीक किया है, और जिसमें बड़े बड़े नेता बीजेपी के मिले हुए हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाए और पेपर को दोबारा कराया जाए, ताकि जो बच्चे मेहनत करके पेपर जिन्होंने दिए उनको इंसाफ मिल सके। ऐसे में सर, इसमें सरकार की भूमिका कहाँ होती है? जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एग्जाम नीट की कराती है, तो इसमें सरकार की भूमिका कहाँ होती है? जो एनटीए, वो भी तो किसी सरकार के अंडर ही है ना, शिक्षा मंत्री तो गवर्नमेंट के ही है, तो उनको उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि ये घोटाला जो है एनटीए के जितने भी अफसर हैं उन्होंने करवाया है, और इसमें कोई ना कोई बीजेपी का बड़ा नेता भी इन्वॉल्व है। जो ये घोटाले होते हैं, आपने कई सीरीज भी देखी होंगी, वेब सीरीज, उसमें भी ये दिखाया जाता है कि बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये घोटाला खाली थोड़ा सा झज्जर वाला नहीं है, ये घोटाला बहुत बड़ा है। इसमें कई बच्चों ने डेढ़ डेढ़ करोड़ रूपए, दो दो करोड़ रूपए दिए होंगे, और तब जाके ये वहाँ पे क्लियर अपने मार्क्स लाए होंगे। ये पैसे का खेला बेला हुआ है, बहुत बड़े पैसे के गेम होती है ये। ऐसे में जो बच्चे हैं और जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आता है कि 1563 बच्चों का री एग्जाम होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देशन है वो तो यही है कि 1563 बच्चों जो जिन्होंने लेट हुए हैं, जो भी, उनका दोबारा एग्जाम लिया जाए। लेकिन जो बच्चे मेहनत करके, जो बाकी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रैंकिंग 1563 की जब रैंकिंग आएगी, तो जो बाकियों की जो रैंकिंग आ रही है, मान लो गवर्नमेंट स्कूल में किसी की, तो वो भी प्रभावित होगी और उनको भी रैंकिंग में आप पीछे चले जाएंगे। वो तो जिन बच्चों का ऑलरेडी आ रहा है किसी में, वो और पीछे हो जाएंगे, उनको वहाँ भी एडमिशन नहीं मिलेगा। इससे ऐसे में कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ग्रेस मार्क्स का मतलब क्या होता है। ग्रेस मार्क्स होता है कि जब भी कोई पेपर कभी लेट हो जाए या कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये कोई भी एजेंसी होती है, जैसे सीबीएसई अपना पेपर कराती है या एनटीए,
तो वो कह रहे थे कि हर बच्चे के माता की हर बच्चे की मार्कशीट में दो नंबर या चार नंबर सबको दे दिए जाए। इसे हम बीच में अगर कोई बच्चा लेट कर रहा है एग्जाम सेंटर पर जाने में या कहीं कोई क्वेश्चन गलत कर रहा है तो उसे ग्रेस मार्क्स मिलता है। बच्चा गलत नहीं कर रहा, कई बार एग्जाम सेंटर में एग्जामिनेशन पेपर आने में लेट हो जाता है, जब पेपर कह रहे हैं कि गलत दे दिया, गया देना दूसरा सेट था, वो जो गलती एनटीए की हो तब ग्रेस मार्किंग होती है, स्टूडेंट की वजह से नहीं होती। स्टूडेंट अपना लेट पहुंचता है उसमें ग्रेस मार्क नहीं दिए जाते। तो ये सर थे जो बताए कि किस तरह से ग्रेस मार्क्स का, और इन्होंने बताया कि किस तरह से हो सकता है कि लड़ाई लंबी होगी, एग्जाम में धोखाधड़ी हुई है, जो घोटाला हुआ है, तो पैसे का खेला मिला है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पैसे देकर नंबर लाए हैं, तो इस पूरे बातचीत पर आगे कह रहा है हमें कमेंट बॉक्स।